गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम HTML डॉक्यूमेंट में इमेजेस को कैसे इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या कोडिंग करना है वो उस कोडिंग को हम सीखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले HTML एडिटर की आपको ज़रूरत होंगी, तो हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। ये जैसे स्क्रीन के ऊपर में आप देख रहे हो, ये मैंने नोटपैड को यहाँ पे ओपन करके रखा है, राइट। इसी नोटपैड में हम HTML के कोड को यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं HTML टैग से। जो फर्स्ट टैग होता है हमारा वो HTML टैग होता है। तो ये पेयर टैग है, इसीलिए इसको क्या करना होगा, क्लोज भी करना होगा। तो क्लोज कैसे करते हैं, एंगल ब्रैकेट के साथ में हम यहाँ पे ब्लैक स्लैश को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। सो HTML, तो ये टैग शुरू भी हो गया, यहाँ पे एंड भी हो गया। अब इस टैग के इनसाइड में हम दूसरा टैग खोलेंगे जो कि आपका हेड टैग होता है। हेड टैग का काम क्या होता है, वेब पेज के जो डिटेल्स होते हैं उस हेड टैग में हम मेंटेन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम टाइटल बताएंगे वेब पेज का क्या है, तो उसके लिए टाइटल टैग खोलना होगा। तो वेब पेज का टाइटल दे देते हैं यहाँ पे गैलरी पेज। टाइटल टैग भी पेयर टैग है, तो इसको क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। और उसके बाद में और कोई डिटेल नहीं देना है, तो हेड टैग को क्या करना होगा, यहाँ पे एंड करना होगा, क्लोज करना होगा, राइट। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे एक्चुअल वेब पेज की ओर। जहाँ पे एक्चुअल वेब पेज के कंटेंट होते हैं वो टैग होती है आपकी बॉडी टैग। तो बॉडी का जो मतलब वेब पेज का जो बैक कलर है, तो उसको यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे हम। तो इसका एट्रीब्यूट है बीजी कलर। तो बीजी कलर इज़ इक्वल टू हम यहाँ पे जैसे एक आधा कलर दे देते। सो इक्वल टू हैश कोड, हेक्साडेसिमल कोड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो FF00FF। तो FF00FF का मतलब क्या होता है एक्चुअली, तो रेड प्लस ब्लू, जो भी कलर आएगा रेड प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन करके वो कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा बैकग्राउंड में। इसके बॉडी टैग को मैं क्लोज कर रहा हूँ और उसके बाद में एक्चुअल कोडिंग करेंगे जो जो चीज़ें हमको करना है। तो ये बेसिक 4 टैग होती है। सबसे पहले इन बेसिक 4 टैग्स को यहाँ पे क्या करना होता है, टाइप करना होता है। सो सबसे पहले हमने HTML टैग को टाइप किया और क्लोज किया। उसके बाद में हेड टैग है, और हेड टैग के अंदर में हमने हमारा गैलरी पेज, ये टाइटल दिया है वेब पेज को। उसके बाद में जो एक्चुअल बॉडी है वेब पेज की, तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड को यूज़ किया है, हैश FF00FF। तो जो फर्स्ट FF है तो स्टैंड फॉर रेड कलर, और जो लास्ट वाले FF है स्टैंड फॉर ब्लू कलर, और बीच वाला जो 00 है तो यहाँ पे कलर इंटेंसिटी हमने 0 करके रखी है, किस कलर की, ग्रीन कलर की। तो यहाँ पे रेड प्लस ब्लू कलर हाई अपनी फुल इंटेंसिटी में क्या होगा, यहाँ पे मिक्स होके अपीयर हो जाएगा। तो देखते हैं अभी इस वेब पेज को हम क्रिएट करेंगे। तो फाइल मेनू में जाइए और सेव ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे माय वेब पेज करके मैंने पहले से ही डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के रखा है। तो यहाँ पे मैं इस फाइल को क्या करूँगा, सेव करूँगा। तो यहाँ पे नेम दे रहा हूँ गैलरी, GALLERY, गैलरी डॉट, यहाँ पे डॉट देना है HTML। तो ये एक्सटेंशन होता है वेब पेज का, HTML एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन डॉट HTML। और उसके बाद में इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद में चलो ओपन करके देखते हैं अभी इसको। तो ये डेस्कटॉप पे होगा, डेस्कटॉप पे माय वेब पेजेस फोल्डर है और यहाँ पे आपकी ये फाइल बन चुकी है। तो इसको ओपन करेंगे हम ब्राउज़र में किसी भी एक, देखो यहाँ पे फायरफॉक्स ब्राउज़र है मेरे पास, गूगल क्रोम है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इनमें से किसी एक ब्राउज़र में आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पर गूगल क्रोम में इस फाइल को क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। सो देख पा रहे हो आप ये जो एक्चुअल वेब पेज है, तो इस एक्चुअल वेब पेज का बैकग्राउंड कलर देखिए। तो ये बैकग्राउंड कलर जो कि मैंने यहाँ पे कोड यूज़ किया था, कौन सा कोड यूज़ किया था, HF00FF। तो मैंने पहले ही बताया था रेड प्लस ब्लू इज़ इक्वल टू दिस कलर, राइट। तो ये जो कलर आया है रेड प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन है ये। तो अभी इस वेब पेज में हमें यहाँ पे 2-4 इमेजेस लगानी है। कौन सी इमेजेस लगानी है, ये जो इस फोल्डर में मेरी इमेजेस दिख रही, इन इमेजेस को इस वेब पेज में आपको लगाना है। तो क्या करना होगा, आपको कोड करना होगा। कहाँ कोड करेंगे, तो बॉडी टैग के अंदर में करेंगे, राइट। सो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक हेडिंग टैग को यूज़ करेंगे। सो H1 साइज़ का हेडिंग ले लेते और इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर को लगा लेते। अलाइन इसकी एट्रीब्यूट है, इक्वल टू हम बोलेंगे सेंटर, राइट। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में अलाइन लगा दी। और हेडिंग क्या यूज़ करना है वेब पेज के इनसाइट में आपको, तो पिक्चर गैलरी ये हेडिंग यूज़ करना था। अभी देखो इसको क्लोज भी कर देते हैं, H1 को क्लोज भी कर दिया, राइट। अभी पिक्चर गैलरी जो है आपका इसमें क्या आ जाएगी, ये टेक्स्ट आ जाएगी। फाइल में जाके इसको सेव करेंगे और उसके बाद में ये जो आउटपुट है तो ये आउटपुट वेब पेज में होता है। इसको आप प्रैक्टिस आपके बुक में कीजिए। अगर आपके पास में कंप्यूटर नहीं है तो आप इसको बिल्कुल छोड़ मत दीजिए, क्योंकि कुछ न होने से अच्छा है कि आप इसको प्रैक्टिस घर में अपने नोटबुक में भी कर सकते हो। तो एक ब्राउज़र को बनाओगे और ब्राउज़र को इसको ड्रॉ करोगे आप प्रॉपरली। आपके पास में कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक भी होंगी, उसमें से आप देख सकते हो कि आउटपुट को कैसे ड्रॉ करना है। सो इसको सिर्फ रिफ़्रेश करना होता है। देखो रिफ़्रेश करने से अभी ये टेक्स्ट यहाँ पे अपीयर होगी आउटपुट में हमारी। तो इस टेक्स्ट का कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ ब्लैक कलर आया बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको अगर मान लो कि येलो करना है आपको तो क्या करना होगा, अभी यहाँ पे हम फॉन्ट टैग खोल सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो फॉन्ट टैग खोलेंगे, इसके अंदर फॉन्ट कलर इक्वल टू येलो, ओके। जो कि ये जो टैग है वो H1 के इनसाइड में खोला है, तो H1 के इनसाइड में इसको क्लोज करना होगा, फॉन्ट टैग क्लोज, राइट। अभी देखो इसको सेव करेंगे एक बार और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, हो गया पिक्चर गैलरी। अभी पिक्चर गैलरी के नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेजेस लगाना है। तो इमेजेस इंसर्ट करने के लिए कौन सी टैग यूज़ करनी होती है, IMG सोर्स एड्रेस देना होता है यहाँ पे। अभी ये जो फाइल जिस फोल्डर में सेव है उसी फोल्डर में अगर आपकी इमेजेस है तो आपको अलग से दूसरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट फाइल का नेम लिख सकते हो आप। जैसे यहाँ पे फाइल के नेम देख लेते हैं हम क्या क्या दिए करके, ये तो पता। जैसे यहाँ पे 1.jpg ये फाइल का नेम है, यहाँ पे 2.jpg, 3.jpg, 4. तो ऐसे 7 तक मैंने यहाँ पे JPG फाइल्स ली है, पिक्चर फाइल्स, ओके। तो इसमें से ये पहली, दूसरी और तीसरी इमेज लेते हैं हम, यहाँ पे कोड करते हैं इसका। सो SRC दैट इज़ सोर्स, कहाँ से सोर्स है इसका, तो 1.jpg ये फाइल आएगी यहाँ पे। और इमेज टैग को हम क्लोज भी करेंगे यहाँ पे, राइट। देखते हैं ये कोड टाइप करने से क्या होता है। सो सेव, और इसको क्या करना होगा आपको, यहाँ पे रिफ़्रेश करना होगा। देखिए इस वेब पेज पे ये इमेज आ चुकी है। अभी दूसरी इमेज लगाना है हमको, तो दूसरी इमेज यहाँ पे लगाने के लिए क्या करना होगा, इसी कोड को फिर से टाइप करना होगा। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन में भी टाइप करोगे तो भी आपकी इमेज उसी के एडजेसेंट आने वाली है आउटपुट में। तो स्पेस छोड़ने के लिए कुछ दूसरा करना होता है या न्यू लाइन पे जंप करने के लिए कुछ दूसरा कोड भी लिखना होता है। तो देखेंगे SRC इक्वल टू 2.jpg इमेज टैग क्लोज, ओके। सेव करके देखते इसको, सेव। और यहाँ पे आपको रिफ़्रेश, तो देखो इसके साथ में दूसरी इमेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, राइट। तो अभी इनकी जो हाइट है वो कम ज़्यादा है, तो बाद दूसरे वीडियो में हम इनके डायमेंशंस को कैसे चेंज किया जाता है, विड्थ और हाइट को कैसे मैनेज किया जाता है वो देखेंगे। अगर चाहो तो इसी लेक्चर में हम कर पाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको इमेजेस को लगा के बता रहा हूँ यहाँ पे। सो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो। अगर तीसरी इमेज लगाना है तो देखो अभी मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, टाइप नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, एडिट में जाके इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करके एडिट में जाके पेस्ट किया तो ये 2 की जगह पे सिर्फ मैं 3 करूँगा यहाँ पे, तो थर्ड इमेज आ जाएगी मेरी। फाइल में जाके सेव किया तो और यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो ये देखिए थर्ड इमेज भी आ गई वेब पेज पे पिक्चर गैलरी में। इसी के साथ साथ हम चौथी पाँचवीं भी इमेज ले सकते हैं। तो इस कोड को देखो, अभी यहाँ तक तीनों इमेज को मैंने कॉपी किया। तो कॉपी करने के लिए इसके ऊपर राइट बटन भी क्लिक कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन, और यहाँ पे एंटर करके जगह बना दो और यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके पेस्ट करो। तो अभी देखो 1 2 3, उसके बाद में फिर से 1 2 3, तो यहाँ पे 4 कर देंगे हम, यहाँ पे 5 कर देंगे। देखो ये 4 5 6 जो भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि पहले से ही मैंने 1 2 3 4 5 6.jpg इमेजेस उस फोल्डर में रखी हुई है, इसीलिए मैं उन्हीं इमेजेस के नेम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे, अगर घर में कंप्यूटर है या स्कूल में जब प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे जो इमेजेस होंगी, जो इमेजेस के मतलब जिस नेम से वो इमेजेस सेव होंगी, तो उसी नेम को यहाँ पे टाइप करना होगा, ये बात आपको याद रखना है। तो अभी इसको फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ और आउटपुट शो करने के लिए यहाँ पे मैं इसको देखिए मैंने जैसे ही रिफ़्रेश किया सारी इमेजेस यहाँ पे आ चुकी है। अभी देखो इसमें से ये जो सेकेंड इमेज है इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसको हटा देता हूँ मैं। तो हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो यहाँ से और यहाँ पे सेव कर दो और आउटपुट में ओपन करके इसको क्या कर दो, रिफ़्रेश कर दो। तो ये देखिए अभी ये सेकंड इमेज और हटाना है, मतलब थर्ड नंबर की इमेजेस को और हटाना है मुझे। तो क्या करना होगा, इस थर्ड को डिलीट कर दो आप। तो देखो एक ही वीडियो में हम इमेज को एंटर करना और उस इमेज को हटाना, दोनों चीज़ें सीख गए यहाँ पर। तो इस मेथड से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इमेजेस को लगा भी सकते हैं, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं इसको। तो अभी देखो इसको थोड़ा सा रीसाइज अगर करना है आपको विड्थ एंड हाइट में, तो विड्थ इक्वल टू 300 पिक्सल एंड हाइट इज़ इक्वल टू 300 पिक्सल। तो ये हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, राइट। तो इसी कोड को हम बाकी इमेजेस में भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देखो स्पेस देके करना होता है पेस्ट, अगर आप स्पेस देके पेस्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। स्पेस देके ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट। तो सारी इमेजेस को मैंने यहाँ पे देखो हाइट और विड्थ का ऑप्शन लगा दिया। अभी मतलब हाइट 300 पिक्सल ली है और विड्थ भी 300 पिक्सल ली है, मतलब अभी जो ये आउटपुट दिख रहा है आपको यहाँ पे थोड़ी सी हाइट ज़्यादा या विड्थ कम ज़्यादा दिख रही है। तो ये सब क्या हो जाएगा, अभी इक्वल हो जाएगा। सो फाइल सेव और आउटपुट में ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश कीजिए तो देखो ये एक जैसा हो गया। अभी देखो इसमें अगर थोड़ा थोड़ा अंतर आपको देना है, मतलब डिस्टेंस स्पेस अगर देना है तो क्या करोगे आप, जैसे ये फर्स्ट इमेज है आपकी, तो फर्स्ट इमेज के बाद में आपको नंबर ऑफ ब्रेकिंग स्पेस देना होता है। तो उसके लिए %NBSP, इसको ब्लैंक स्पेस भी बोलते हैं, और कोलन, राइट, सेमीकोलन। तो इस कोड को मैंने टाइप किया तो इसको 2-4 टाइम्स लेना होगा आपको। कॉपी करो और यहीं पे पेस्ट करते जाओ, पेस्ट करते जाओ, पेस्ट करते जाओ। अभी कितने बार पेस्ट करना है इसको, तो हम पहले एडजस्ट करके देखेंगे। 1 2 3 4 5, 5 पिक्सल की स्पेस ली है हमने यहाँ पे। तो इसको सेव करके देखेंगे, सेव, और ये रिफ़्रेश। तो देखो यहाँ पे स्पेस अभी इन दोनों इमेजेस के बीच में 5 पिक्सल की क्या ये है, यहाँ पे स्पेस आई है। तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं हम, यहाँ पे 3 स्पेस लेंगे। सो एस करो, मतलब सेव करो, उसके बाद में रिफ़्रेश करो तो ये स्पेस कम हो। अभी इन दोनों इमेज, बाकी जो 3 इमेजेस है यहाँ पे, तो ये थर्ड, सेकंड और ये फर्स्ट, इनमें अगर गैप छोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लो आप। सो कॉपी और कहाँ पे, यहाँ पे पेस्ट करना है आफ्टर इमेज, राइट। आफ्टर इमेज। तो लास्ट इमेज के बाद में पेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो अपने आप ही लास्ट में है। तो अभी प्रॉपर स्पेस, तीनों के बीच में प्रॉपर स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे जितनी स्पेस है वहीं पे इतनी है, इतनी है। इनका साइज़ और थोड़ा सा छोटा करना चाहोगे आप तो छोटा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 200 लेके देखते हैं हम क्या चेंजेस होते हैं। सो 200 देखो, जब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो ये सब करके देखना होता है, तभी जाके आप एक अच्छे HTML डिज़ाइनर बन जाओगे। नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो कभी भी कुछ भी चेंज किया तो सेव करना होता है और आउटपुट शो करने के लिए रिफ़्रेश करना होता है। देखिए ये आ गए, फिर से छोटी साइज़ हो गई। अभी देखो इन इमेजेस को अगर सेंटर में लगाना है आपको, ये लेफ़्ट साइड में अभी वेब पेज के लग चुके हैं, तो सेंटर में लगाने के लिए क्या करना होगा, जहाँ पे आपने इमेज को इंसर्ट किया है सबसे पहले वाली इमेज के पास में जाइए और यहाँ पे सेंटर टैग ओपन कीजिए आप। सेंटर टैग ओपन किया और इस सेंटर टैग को लास्ट वाली इमेज के बाद में इसको क्लोज कर दीजिए आप। तो सेंटर टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, कुछ भी चेंज किया आपने तो फाइल मेनू में जाके सेव बटन को दबाना होता है, सेव ऑप्शन को, और उसके बाद में ब्राउज़र को ओपन करो जहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है, यहाँ पे रिफ़्रेश के बटन को प्रेस करो। तो ये देखो सेंटर में आ गया अभी। तो इन दिस वे वी कैन इंसर्ट एनी इमेजेस इन वेब पेज, राइट। तो इसके बैकग्राउंड कलर को अगर चेंज करना चाहते हो आप तो बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर दो अभी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी हेक्स कोड की जगह पे हम सिंपल कलर का नेम भी लिख सकते हैं, राइट। सो सिंपल मैंने येलो कलर लिया अभी यहाँ पे। सो सेव, रिफ़्रेश करके देखिए इसको, लेकिन वो टेक्स्ट हमारी येलो में थी तो उसके कारण देखो टेक्स्ट गायब हो चुकी है। तो कलर कॉम्बिनेशन भी सही ढंग से लेना होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम ब्लू कलर लेंगे अभी। सेव, दैट्स बेटर, राइट। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि किसी भी वेब पेज में डिफरेंट इमेजेस को कैसे मतलब इंसर्ट किया जा सकता है, एज वेल एज उसको कैसे रिमूव करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी इमेज के ऊपर में क्लिक करने के बाद में वही इमेज उसके ओरिजिनल साइज़ में कैसे ओपन होती है, या फिर दूसरे पेज को कैसे ओपन किया जा सकता है। इन शॉर्ट हम हाइपर लिंक्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, हाइपर लिंक को कैसे इंसर्ट किया जाता है, वो दूसरे वीडियो में सीखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।